16 तारीख को जो प्रस्तावित जनसभा है, इस सभा में आप सभी लोगों को आना है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब से कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लग चुके हैं और तमाम नेता जो हैं वो अपने अपने कमर कस लिए। अब ऐसे में बीजेपी, राजद और जदयू बिहार में लगातार बड़े बड़े रैलियां जो है वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद, बीजेपी और जदयू बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो बिहार को अपना गढ़, अपना कैंप भी बना लिया है। बड़े बड़े नेता यानी खुद अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, लगातार उनका दौरा जो है वो बिहार में हो रहा है। अब इन पूरे कड़ी में भला चिराग पासवान पीछे कैसे हटे? चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसका जो जिम्मा है वो चिराग पासवान ने अपने बड़े नेता संजय सिंह को दे दिया है। मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग प्रखंडों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में जो है संबोधित करते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह इस पूरे कड़ी में अब वैशाली पहुंचे हैं। वैशाली पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इनके द्वारा पूरे बिहार में एक बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, बिहार के लोगों को शिक्षित करने के लिए, बिहार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता पहुंचाने के लिए, बिहार के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, वो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसमें आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को सभी सुविधा मिले, जैसे आपके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, आपके नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए, पर्यटन को डेवलपमेंट करने के लिए। कहने का मतलब है कि पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, यहाँ के गरीबों, दलितों, शोषितों का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ा है वो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के लोक जनशक्ति रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय श्री राजू तिवारी जी पूरे प्रदेश के 3800 जिला में घूम घूम करके एक संकल्प यात्रा निकाले। उन्होंने लगभग सभी जिला का दौरा किया है और उसी का समापन समारोह 16 जनवरी और रोजगार जब मिलेगा तो आप बाहर नहीं जाइएगा, यहाँ के लोगों का पलायन नहीं होगा और पलायन नहीं होगा तो आप अपने परिवार के साथ सुखी से यहाँ रोजगार करके यहाँ कमाएंगे और उससे ये होगा कि हमारा जो है सो आर्थिक विकास होगा, आप सभी का जो है सो आर्थिक विकास होगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में किया गया है, लेकिन अकेले चिराग पासवान इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी की मदद की आवश्यकता है। बताइए, जब तक आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, उनके हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये काम संभव है? नहीं संभव है। जोर से बोलिए, आप लोग जैसे उनको समर्थन करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए ना भाई। 16 तारीख को जो प्रस्तावित जनसभा है, इस सभा में आप सभी लोगों को आना है। मैं आप सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग, घर के सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस रैली में सम्मिलित होइएगा। आप सभी लोग एक बार जोर से बोलिए कि आप सभी आ रहे हैं ना? अपने साथ कम से कम 5-5 आदमी को जरूर लाइएगा। हाँ, और एक बार बोलिए, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे।